अब से कुछ ही देर पहले एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद से शायद मीडिया जगत के अलावा राजनीतिक गलियारे और तमाम देश के वैसे लोग जो अपने आप को राजनीति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं उनके लिए सनसनी की तरह है। जी हां, खबर यह है कि सरकार जासूसी करवा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है राजनीतिक गलियारों की तरफ से। यह खबर आ रही है राजनीतिक जो नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, यानी एंटी गवर्नमेंट हैं, जो अभी फिलहाल में, उन लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं। उनको कुछ मैसेजेस भी आए हैं जिसके स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि उनकी तरफ से क्या शेयर किया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। ये स्क्रीन पर जो मैसेजेस आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारे नेता हैं। इन सारे नेताओं के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनको रात से ही एप्पल आईफोन्स की तरफ से जो है वो कंपनी की तरफ से कुछ डेटा लीक करने के लिए या फिर सिक्योरिटी से जुड़ा कुछ मामला है इनका। इनको इन लोगों के द्वारा जो ट्वीट किया जा रहा है उनमें ये बताया जा रहा है कि एप्पल आईफोन की तरफ से उन्हें नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार कि स्टेट से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ है ये जो आपके फ़ोन को हैक करने के लिए किया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में ये चीज़ें हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो ये फिर बहुत बड़ी घटना हो सकती है और सबके सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। देश के कई विपक्षी नेताओं ने इस सूचना को लेकर जानकारी भी साझा की है। इन विपक्षी नेताओं में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हैं, शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कुछ दिन पहले ये कांग्रेस में थी, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हैं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम शामिल इन नेताओं में। जी, जिस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है। तो एक सीरियस वार्निंग थी जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफ गार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये जो अटैक हो रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के MPs हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई, अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं और ऑपोजिशन के ही MPs को ये मैसेज आ रहे हैं, तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पर जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब जो है आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद राघव चड्ढा ने भी दावा किया है कि आईफोन की ओर से उन्हें फोन हैकिंग की चेतावनी मिली है। इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आज सुबह सुबह मुझे एप्पल की तरफ से संबंधित सूचना मिली है जिसमें मुझे मेरे फोन पर संभावित राज्य प्रायोजित स्पाईवेयर हमले के बारे में चेतावनी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि आपको आपके डिवाइस के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है तो वे आपके संवेदनशील डेटास को संचार, यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। यानी वो इस काबिल हो सकते हैं कि वो आपके फोन की पूरी जानकारी ले सकें। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कुछ टाइम पहले ही एक प्रेस रिलीज दी गई है। इनमें अपने नेताओं को उन्होंने चेतावनी दी है कि आप जरा संभल कर रहिए, सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार हमारे फोन को टैप करवा रही है। कुछ दिन पहले भी ये मामला आया था पेगासस को लेकर। बड़ा सवाल है कि जो ये नेता X पर लिख रहे हैं, जो फोटोज शेयर कर रहे हैं, क्या वास्तव में सच है वो, और क्या उनके फोन, उनके मैसेजेस जो हैं वो केंद्र सरकार या फिर मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? क्या वास्तव में मोदी सरकार फोन टैप करवा रही है, या जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आखिर क्यों आ रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ही इस पर अपडेट आएगी और हम हर अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आपको सब्सक्राइब करना होगा 1 इंडिया हिंदी को। नमस्कार।